महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, ब्रैकेट में सांगा भी लिख लेना, कहीं बाद में कहो सांगा तो पढ़ाया ही नहीं, यही है सांगा, ठीक है। शासनकाल क्या है इसका, 1509 से 28। एक आध लाइन लिख लो, तब देखे तब तक मैं चाय ले लूं, आप तो चाय वाय पीते नहीं हो। अच्छा छोड़ ही दिया आपने, सबने छोड़ दी सामूहिकता के साथ, चलो भाई बहुत अच्छा। आगे लिखो जन्म, जन्म कब हुआ इनका जन्म महाराज का, अप्रैल 1482। आपने हेडिंग लिख ली महाराणा संग्राम सिंह, इसमें लिख रहे हैं जन्म। सबसे पहले इनका जन्म से शुरू करेंगे ना, लास्ट लाइन लिखेंगे मृत्यु। जन्म अप्रैल 1482। माता, क्या नाम है इनकी माता जी का, हाँ हाँ बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। माता, क्या नाम है इनकी माता का, रतन कुंवरी, रतन कुंवरी। पिता, क्या नाम है पिताजी का, चलो ये तो बता दिया कम से कम। पिता महाराणा रायमल, महाराणा रायमल। लिखो महाराणा रायमल, महाराणा रायमल अपने जीवन काल में, महाराणा रायमल अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाए, नहीं कर पाए इसी कारण उनके तीनों पुत्रों कुंवर पृथ्वीराज, उनके तीनों पुत्रों कुंवर पृथ्वीराज, पृथ्वीराज जयमल और सांगा के मध्य, और सांगा के मध्य, सांगा के मध्य, सांगा के मध्य बीच में मध्य सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ जिसमें जिसमें अंतिम रूप से कौन विजयी रहा, जिसमें अंतिम रूप से संग्राम सिंह विजयी रहा या सांगा विजयी रहा, शॉर्ट नेम लिख लो सांगा। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं तो, ऐसे ही बता देना, ये सांगा नेर वाला ही सांगा है क्या ये? अरे कोई है क्या आप में से जयपुर का है, कितने है लोकल जयपुर के यहां से, 1 2 3 4, अरे एक मैं भी हूं और कोई नहीं है। अरे सुना है ये सांगानेर की स्थापना सांगा ने की थी, क्या ये वही सांगा था क्या, कोई दूसरा रहा होगा, वही होगा, तो ये वो, ये कोई और था। हाँ ये आपके जो पृथ्वीराज कछवा हुआ ना
उसके 12 पुत्रों में से एक था सांगा। तो तभी तो ये कहते हैं ना ऐसे कि सांगा नेर को सांगो बाबो, चांद पोड़ को हड़मान, आमिर की शिला देवी ल्यायो राजा मान। सुना है ऐसे जयपुर वालों ने? चलो आगे चलो, सुनो भाई अभी तो लिखो, सुनना क्या है। भीमल गांव की पुजारिन ने, भीमल गांव की पुजारिन ने गांव की पुजारिन ने सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की, सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की, सांगा ने प्रारंभ में, अगली लाइन है, सांगा ने प्रारंभ में अपने भाई पृथ्वीराज के विरुद्ध इसको पढ़ना क्या पढ़ेंगे अपन? सावित्री, यही पढ़ रहे हैं ना? ये सावित्री गांव है राजसंबंध में, ठीक है। प्रारंभ में सावित्री गांव राजसंबंध में शरण ली पृथ्वीराज के विरुद्ध, सावित्री गांव राजसंबंध में शरण ली बाद में यहां से कहां, यहां से अजमेर करमचंद पवार के यहां शरण ली, करमचंद पवार के यहां शरण ली, पंद्रह सौ नौ में रायमल ने सांगा को शासक बनाया। जैसे पृथ्वीराज मरार इसको बुला लिया, भाई अब तू आ जा, शासक बनाया। अब क्या जाएगी उपाधियां? तो सुनिए भाई, क्या क्या उपाधियां हैं? क्या इसको सैनिक भग्नावशेष कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? कितने? 80 घाव शरीर पर, 80 घाव थे, ठीक है। आप ये देख लो, एक तरफ का हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, आंख काम नहीं कर रही है, फिर भी भाई साहब के मन में देखो आप फाइट विल पावर देखो कि लड़ना चाहता है, हार नहीं मानता है। अपने यहां पे हाथ पे लग जाती, बुखार होता है, आज नहीं जाऊं कोचिंग, बुखार हो गया मेरे, आज नहीं जाऊं, धूप तेज पड़ रही है। और ये भाई साहब देखो, सच है कि हम आज है ना कहीं ना कहीं मशीनों से बहुत ज्यादा घिर चुके हैं। ये नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे, ये लो बस वाला नहीं आया, आज नहीं जाऊं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, बाकी तो आप समझदार हो। एक इसकी उपाधि क्या है? हिंदूपत। और एक इसके बारे में लाइन कही जाती है, मैं लाइन, ये तो टॉड की लाइन है भाई, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है इसको सैनिक भग्नावशेष, ध्यान रखना। इसके दरबार में सात राजा, नौ राव और 104 छोटे सरदार थे। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े साम्राज्य का रहा होगा ये, तभी तो आपने जब खानवा का युद्ध पढ़ा होगा कभी, तो उसमें आप देखते हो कितने सारे लोग आए थे लड़ने के लिए।
ये तीनों लाइन लिख लीजिए। क्या लगता है हो जाएगा क्या सांगा? एक दो के साथ तो लड़वा देंगे इसको, इब्राहिम लोदी के साथ भी लड़वा देंगे और महमूद खिलजी के साथ भी लड़वा देंगे। कल सांगा हो जाएगा और कल ही हम प्रवेश कर जाएंगे महाराणा प्रताप में। टेस्ट के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। हो गया? अब देखो भाई, सांगा का जब आप संघर्ष करवाओगे ना, किस किस के साथ करवाना है आपको संघर्ष? आप देख रहे होंगे कि इसकी उपाधि आपको हिंदू पथ दिख रही है, क्योंकि इसके चारों ओर का जो साम्राज्य है ना, वो मुस्लिम शासकों से घिरा हुआ है। देखो, दिल्ली में इस समय सल्तनत है और कौन सा वंश चल रहा है? लोदी वंश है। कौन सा वंश है? लोदी वंश है। और जब यह गद्दी पर बैठा, प्रश्न आता है कि जब सांगा गद्दी पर बैठा, या हाँ, जब सांगा गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस समय दिल्ली सुल्तान कौन है? आपके सिकंदर लोदी है, ध्यान रखना। और सिकंदर लोदी की जो राजधानी थी ना, या कहें सिकंदर लोदी ने जिस शहर को बसाया था, उसका नाम था आगरा। तो ये यहां तक आ गए थे, आगरा यूपी वाले बेल्ट तक आ चुके हैं, ठीक है, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर कौन बैठ रहा है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और इसके बीच में संघर्ष चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर संघर्ष आप देखेंगे तो दोनों के बीच में दो युद्ध हो रहे हैं। पहला युद्ध तो कौन सा हो रहा है? खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? और दूसरा बाड़ी का युद्ध, ठीक है। खातोली का युद्ध कब हो रहा है? सही तो लिखा है मैंने? हाँ, कोई बात नहीं, ये तो सही है। यहां डिस्प्यूट होगा भी आपके और मेरे बीच में। हाँ, किताबें अलग अलग बोलती हैं। कितना बताती है किताबें? 18 या 19? तीनों लाइन से चलती है। अच्छा, 17, 18, 19 वाला कौन सा है? ये वाला गागरौन का 19 वाला है, और ये वाला 18 का है। हाँ, लेकिन ये 17 ही है, 16 नहीं है। झूठी हाँ मत करवाना भाई, अब मैं करूँगा भी नहीं। ये आपके 1518 में। अब सुनो, खातोली कहाँ है? खातोली वर्तमान में तो कहाँ है, और उस समय किसमें था? अब आधे ज्यादा तो लोग यूं ही सोच के परेशान रहते हैं, भाई वो खाने की चीजें क्या उठा के इधर से उधर चले गए? नहीं, उस समय कोटा बना ही नहीं था, इसीलिए बूंदी में था। अगर कोटा बन गया होता तो उस समय भी किसमें रहता? कोटा में ही रहता। इसीलिए पहले किस रियासत में था, और अब वर्तमान में कौन से जिले में? कोटा में। इस युद्ध में लड़ने के लिए खुद इब्राहिम लोदी आया था, ध्यान रखना। और इसी युद्ध में सांगा का बड़ा लड़का मारा गया था, भोजराज, जो मीराबाई का पति था। और इसी युद्ध में सांगा का एक पैर सदा के लिए काम करना बंद कर दिया था, तीर लग गया था आगे घुटने में, ठीक है। यह खातोली का युद्ध हो गया। इसमें कौन जीता आपका? सांगा ही जीता है। बाड़ी, बाड़ी आपके कहां है? क्या धौलपुर यूपी के साथ सीमा टच करेगी? क्या करेगी? और लोदी वंश की राजधानी क्या बता दी आपको? आगरा। आगरा यूपी में ही है क्या? पक्का? और धौलपुर भी यूपी के किनारे ही है, तो फिर तो दोनों के बीच में फिर कभी भी लड़ाई हो सकती है, अगर सीमा का निर्धारण नहीं हुआ तो। इसीलिए बाड़ी के युद्ध के बाद में एक जगह पड़ती है यहां पर, पीलिया खाल। कौन सी खाल? पीलिया खाल।
ये पीलिया खाल पे दोनों का एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया कि इधर का हिस्सा हमारा, उधर का हिस्सा तुम्हारा। जैसे ही बाबर आएगा, बाबर कह देगा कोई खालवाल नहीं है, सब कुछ अपना, क्योंकि मुगलों की भी वही राजधानी रहनी है जो लोधी की थी, तो मुगलों की भी राजधानी क्या रहेगी, आगरा, तो लड़ाई होनी होनी है, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में, इब्राहिम लोधी नहीं आया था लड़ने, इब्राहिम लोधी के दो सेनापति आए थे, एक थे मियां माखन और एक थे मियां हुसैन। इन दोनों को सांगा ने हरा दिया, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी के साथ में कितने युद्ध हुए, उसके दो, पहला कौन सा है और दूसरा खातोलिक कहां है, कहां है, और पहले कहां था, और बाड़ी कहां है, धौलपुर में है, ठीक है। ये लिखो, लिखो सांगा और इब्राहिम लोधी, सांगा और इब्राहिम लोधी। सांगा और इब्राहिम लोधी लिखे, सांगा के गद्दी पर बैठते समय के सांगा के गद्दी पर बैठते समय बैठते समय दिल्ली सुल्तान कौन था, हां बैठते समय दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी था। इसके उत्तराधिकारी, इसके उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी के साथ, इसके उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी के साथ सांगा का संघर्ष हुआ, दोनों के मध्य निम्न युद्ध लड़े गए। नंबर एक कौन सा आएगा, खातोली का युद्ध 1517। लिख लीजिएगा, खातोली पहले बूंदी रियासत में था, खातोली पहले बूंदी रियासत में था, वर्तमान में कोटा में है। पहले तो कहां था, बूंदी में, और वर्तमान में कोटा में है भाई। ठीक है, इसमें लिखे, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया, इब्राहिम लोधी को हराया। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया, हरा दिए। लेकिन सांगा का बड़ा पुत्र क्या नाम है, भोजराज, इसी युद्ध में मारा गया। फिर लिखे बाड़ी का युद्ध कब हुआ है,
बाड़ी धौलपुर में है भाई, ब्रैकेट में धौलपुर डाल लीजिएगा। ये तो वर्तमान में विधानसभा भी है, बाड़ी विधानसभा भी है शायद। हाँ अलग से विधानसभा क्षेत्र घोषित कर रखा है इसको। लिखे इस युद्ध में सांगा ने, इस युद्ध में सांगा ने, इस युद्ध में सांगा ने, सांगा ने इब्राहिम लोदी के, इब्राहिम लोदी के इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनापतियों, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनापतियों मिया माखन और मिया हुसैन को, मिया हुसैन को पराजित किया, पराजित किया। लाइन बदल के लिखेंगे, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद सांगा की ये कौन सी दिशा आएगी अपने? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व सीमा, सांगा की उत्तर पूर्व सीमा पीलिया खाल तक निर्धारित हो गई, पीलिया खाल तक निर्धारित हो गई। पीलिया खाल वो ब्रैकेट में लिखा हुआ, पीलिया खाल तक निर्धारित हो गई। ठीक है, अब जो बचे हुए तीन राजा हैं जो सांगा के साथ लड़े हैं, छोटे छोटे से, मुजफ्फर शाह सेकेंड, महमूद खिलजी सेकेंड और फिर बड़ा बाबर, उसको कल लड़वा देते हैं। धन्यवाद। आज देख लो हम कहां आ गए, सांगा में पहुंच गए।